बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान ने गिले शिकवों के अंबार लगा दिए हैं JUIA फे के जो सरबरा हैं PTI पर। शक व शुबा ख़त्म नहीं हो रहा और PTI के अंदर जो चल रहा है हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जूतियों में ना सिर्फ दाल बट रही है बल्कि अब अंदर की कहानियां जो बाहर आ रही हैं। फिर फवाद चौधरी जिस तरह जनाब सोशल मीडिया पे इनकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, सबके कच्चे चट्टे खोल रहे हैं, वो एक लड़ाई अलग है। 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां अलग है। यानी कि खबरें ही खबरें हैं लेकिन अंदर की खबरें हैं। मामलात जो हैं वो अब ये नहीं है कि कोई सुकून हो गया है, कोई ठीक हो गया है, नहीं। हर सियासी जमात के अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसका एक अलग ही जायका है, सियासी जायका। जनाब, सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान, मौलाना फजल रहमान से राबता किया अफसर कैसर ने और कहा जी मौलाना साहब आपने बड़ा हमारा साथ दिया, 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर आपका शुक्रगुजार है, दोबारा फिर मिलजुल कर चलते हैं, मुलाकात का वक्त दें, आइंदा इस हुकूमत को टफ टाइम दें, हमारी तहरीक में शामिल हों। और मौलाना साहब आपने बड़ा दबंग फैसला किया, जो आपने हुकूमत में शामिल होने की जो पेशकश थी वो ठुकरा दी, बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया। तो आगे से और उन्होंने कहा जी वक्त दें, मौलाना कहा तो चले वक्त का कुछ करते हैं। लेकिन जो मौलाना साहब ने गुस्सा किया, जो इजहार किया गुस्से का, वो कहानी भी जबरदस्त है। वो कहानी कुछ यूं है जनाबे आला, मौलाना ने कहा कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम में तमाम जो मुतराजा तरामीम थी वो निकाल दी गई, हमारी 5 की 5 तरामीम शामिल कर ली गई। आप लोग यानी कि तहरीक इंसाफ वाले पार्लिमानी कमेटी ब्राय जजेस तकर्री जो 12 रुकनी थे उसका हिस्सा बन गए, जो पार्लिमानी खसूसी कमेटी थी खुर्शीद शाह वाली उसमें आप लोग आते रहे, लेकिन जब चीफ जस्टिस लगाने की बारी आई तो आपने जनाब बाइकाट कर दिया। उन्होंने कहा ये सोलो फ्लाइट पसंद नहीं आई, ये आपकी सोलो फ्लाइट पसंद नहीं आई। और उन्होंने ये दावा किया कि अगर PTI के 3 अराकीन पार्लिमानी कमेटी ब्राय जजेस तकर्री का बाइकाट ना करते तो चीफ जस्टिस हमारा होता, जो उन्होंने दावा किया। 4 वोट हो जाते ना, 3 PTI के, 1 मौलाना का, 4 उधर आड़ थे, तो 5वां वोट मौलाना कैसे लाते? या तो MVM को तोड़ते या पीपल्स पार्टी का 1 वोट तोड़ते। 1 वोट भी टूट जाता तो 7 उधर हो गए, 5 इधर आ गए, तो फिर काम ना बनता, क्योंकि तो था एक सीएम के लिए 8 वोट जरूरी थे। मौलाना ने किस बुनियाद पर यह दावा किया? हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के फिर सारे वोट मौलाना की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह गेम तो खेली थी, उन्होंने तो कह दिया अपने इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि मुझे तो आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। तो ये सारा उन्होंने इल्जाम धर दिया मौलाना फजल रहमान ने PTI के ऊपर। उन्होंने कहा जी अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने तो इसकी जिम्मेदार PTI है, क्योंकि इनके लोगों ने बाइकाट कर दिया, जजेस तकर्री कमेटी का आए नहीं, वोट ही नहीं दिया। तो वो जनाब उन्होंने फैसल कैसर साहब ने कहा जी पार्टी का फैसला था, बानी का फैसला था, कोर कमेटी का फैसला था, क्या करें, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल फिर मौलाना ने कहा कि साहब देखिए बात यह है कि लग ये रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर कोई फैसला साज शख्सियत नहीं है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो फैसला कर सके, तो मैं जो उससे बात करूंगा उस बंदे से मेरी आइंदा करिए, अगर आपने हमारे साथ तआवुन करना है कि हम आपके साथ आइंदा करिए चले, तो फिर तो उन्होंने कहा कि हजूरे वाला बात यह है कि फिर आप एक ऐसा बंदा बता दें जो बाख्तियार हो, जिसके पास पावर हो, जो फैसला साजी में महारत रखता हो और फैसला साजी का उसको इख्तियार भी हो, तो वो बंदा जो है आप हमें दे दें। उन्होंने कहा जी चले ठीक है, ये भी आपको बता देंगे। तो लेकिन गिले शिकवे मौलाना साहब ने ठीक जो है वो कर दिए और मुलाकात तो आइंदा चंद रोज में हो जाएगी, फिर आइंदा किस तरह बढ़ना है। अब अभी दूसरी बात के MQM को और राजी करना है ANP को,
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाहते हैं कि 27वीं तरमीम लाई जाए, नू लीग भी चाहती है, एम पी एम को राजी इस वजह से करना है, वो कहता है जी वो आइन का जो आर्टिकल है 140A उसमें तरमीम लाकर जो है वो जो मकामी हुकूमतें हैं उनको बाख्तियार बनाया जाए। वफाक से तो सूबों के इख्तियार चले गए, सूबों ने आगे निचली सतह तक मकामी हुकूमतों को इख्तियार नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, फंड नहीं देते, तो उसके लिए आइन तरमीम 140A में तरमीम करके सूबाई हुकूमतों से मकामी हुकूमतों के इख्तियार मुंतकिल किए जाए। दूसरा जी एम एल वली की तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा किया जाए, तो वो ये चाहते हैं। और भी कुछ मामला है जिसके ऊपर हुकूमत है, उसमें हो सकता है मिलिट्री कोर्स वाला मामला भी आ जाए, क्योंकि अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया, लेकिन 27वीं तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ, कोई आग शाग नहीं लगी हुई, ये फौरी नहीं होगी जिस तरह 26वीं तरमीम की गई कि जी 25 अक्टूबर से पहले पहले ही करनी करनी है, वो वाला काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो वो नहीं तरमीम, वो तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का मामला नहीं है, मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद फैसला होगा, इत्तेफाक की राय से फैसला होगा, और जब तमाम जमातें एग्री कर जाएंगी फिर जो है वो तरमीम लाई जाएगी। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान बबांगे दौल ये कह चुके रहते एक जगह पे वो जलसे से खताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी 27वीं तरमीम नहीं ला सकता, उन्होंने कहा कि हम हर सतह पर मुखालफत करेंगे, लेकिन मौलाना से मौलाना ने जी बयान तो दे दिया, लेकिन अगर मौलाना की नई बात भी मान ली गई तो 26वीं तरमीम के बारे में भी यही कहते थे ना, कि जब उनकी बात मान ली गई तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ये बात है। अब एक और चीज़ है और वो है कि जनाब चीफ जस्टिस साहब जो नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस यही अफरीदी साहब, आज उनका बाजाबता तौर पर पहला दिन था। ठीक है जी, यानी कि बाजाबता इस वजह से कि आज उन्होंने केसेस की समाअत की और इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज पहले दिन उन्होंने कोई 100 से ज्यादा केसेस जो है वो सुन लिए। तो दूसरी तरफ उनको आते ही जो है ना वो क्या कहते हैं जी सर मंडाते ही ओले पड़े, तो जिस 26वीं तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उसी 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान बार एसोसिएशन ने भी कर दिया और आबू जुबैरी साहब में कुछ और लोग उन्होंने वो उसको कहा जी एक आइन से मुतसादम है तो लिहाजा इसको कलदम करार दिया जाए। अगर ये 26वीं तरमीम कलदम करार दे दी जाती है तो फिर तो जस्टिस जय अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस कैसे रहेंगे, सवाल तो उठता है। तो ये बात भी है, बहरहाल फुल कोर्ट मीटिंग आज हो रही है, उसमें बहुत से फैसले जो है वो सामने जो है वो आ जाएंगे, लेकिन चीफ साहब ने इस जो मुकदमात का बैकलॉग है उनको निपटाने के लिए आज के दिन तकरीबन को 1000 के करीब जो केसेस हैं वो मुख्तलिफ 7-8 बेंचेस बनाकर उनके जुम्मे लगा दिए। तो ये अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी जो केसेस हैं वो निपटाए जाए ताकि ये बैकलॉग जो 50-60 हज़ार पहुँच चुका है ये उस तरफ जो वो कम हो। अच्छा जी, पीटीआई के अंदर दो दिन इनकी सियासी कमेटी का इजलास होता रहा पेशावर में, कुछ फैसले किए, प्रेस रिलीज के जरिए जाहिर आ गए, कुछ सोर्सेज के जरिए खबर आ गई, खबर लीक कौन करता है ये भी डिस्कस होता रहा, पता चला ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, हाँ जी, और ये कासिम सूरी जैसे लोग ये खबर लीक कर देते, इस वजह से इनको सियासी कमेटी के इजलास में इस मतलब बुलाया ही नहीं गया, उड़न छू बिल्कुल। ठीक है जी, और फिर वो जो सियासी कमेटी के अंदर जो कुछ हुआ फरदोस शमीम नकवी और वो सामने आमने सामने हो गए, वो क्या नाम है इसका अलीम, वो जो सिंध का सदर है इनका पीटीआई का, हाँ जी अलीम आदिल शेख, वो आमने सामने आ गए, और भी बड़े मामले, और हर बंदा दूसरे को शक की नजर से देख रहा है, हर बंदा कोई किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं, यकीन मानिए शुक्र शुभाल बिल्कुल ऐसे कोई समझ नहीं आ रही कि कौन किसी पे एतबार करे। दूसरी तरफ जनाब वो फवाद चौधरी पड़ गए, फैसल चौधरी को जब उन्होंने वो लीगल टीम से निकाल दिया तो वो उसने इमरान खान की कर दिया केस का, दरख्वास्त दे दी कि इमरान खान से सूतें वापस ले ली गई, वो पीटीआई कहते जी नहीं हम दरख्वास्त नहीं देंगे, उससे पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले ली, वो एक नया वो जूतबाजी हो रही है। तो वो जनाब दोनों तरफ से वो रऊफ हसन बयान दे रहा है, सलमान अगम राजा, फवाद हसन, फवाद चौधरी लगे हुए हैं,
और क्या गालम गलौज है, गंदी गंदी गालियां दे रहे ना। ये वो कल्चर नजर आ रहा है आपको पीटीआई का, ये सिर्फ कारकुनों की सतह पे नहीं है, ये क्यादत की सतह पे भी है। वो ट्वीट देख ले आप, तबा तबा हाथ लगा, कानों को हाथ लगाएंगे, वो भी चल रहा है। तो वो चलो अच्छी बात है ना, कच्चा चट्टा खोल रहा है ना, कौन क्या था सबको पता है, कौन क्या था। फवाद चौधरी का भी पता है, कौन सलमान अकरम राजा का भी पता है, आजकल सलमान अकरम राजा प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो वो खान साहब मजे लेते हैं इन चीजों के। खान साहब इस चीज के सुबह शुरू से कह रहा हूं, डिवाइड एंड रूल, ये इमरान खान की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो। वो ये चाहता, वो जो भी जाता कहता जा ठीक है ठीक है, तू लग जा शुरू हो जा, मैं जाऊंगा मुझे कह देंगे जनाब तो आप जबरदस्त काम कर रहे हैं, ये भट्ट साहब जाएंगे ये कहेंगे जबरदस्त काम कर। तो ये मामला जो है ना इनके चल रहे, तो मैंने कहा कि ये आपको जो है वो बता दे, तो इनकी सारी चीजें जो है ना वो खुलकर जो है वो सामने आ रही हैं, और इनके मामला जो है वो अब जो है वो एक दूसरे से ढके छुपे जो है वो नहीं रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।